अपने दुख को इतनी जल्दी ना भुला दिया करो। ये हम सभी करते हैं कि रात हमने वीर्य में लतपत होकर के खुद को नहला दिया, लेकिन दिन होते ही आपने सबके सामने और खुद के सामने खुशी का झूठा दिखावा करते हो। रात का वो मंजर या अपने दुखी जीवन का मंजर भूलना चाहते हैं। आचार्य प्रशांत जी ने एक बात कही है कि आजादी उसी को शोभा देती है जो सच में आजाद है। हम अंदर से खुद से हारे होते हैं, लेकिन हम दिखावा खुश होने का करते हैं। जो गलतियां की जैसा लीचड़ भरा जीवन पहले जिया, उसे भुला देना चाहते हैं, और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर तुम दुखी हो और जीवन में परेशान हो, खुद की बेड़ियों को तोड़ना चाहते हो, तो ना तो खुद के सामने और ना ही दूसरों के सामने झूठी खुशी वाला चेहरा मत दिखाओ। पल पल याद रखो कि कैसा मेरा जीवन है। अब हो सकता है आपका सवाल हो कि क्या दुखी रहकर जीवन को जिए? तो जवाब है नहीं। दुखी रहने को नहीं कहा, ध्यान देने को कहा अपनी असलियत पर जिसे तुम छुपाना चाहते हो। और सच कहूं, आज हम सब हर कोई अपनी असलियत को छुपा भी लेते हैं, और इसी वजह से वो अपनी बेड़ियों को ना तो तोड़ पाता है और ना ही अपनी लतों को छोड़ पाता है, ना अपनी परिस्थितियों को बदल पाता है। क्योंकि जो दिखता है तुम्हारा ध्यान उसी पर तो जाएगा। असफलता ध्यान तभी तो आती है ना तुम्हारे जब कोई कामयाबी की बात करे, आती है कि नहीं? तभी तो तुम्हारा ध्यान जाता है कि मैं यार अपने जीवन में कितना असफल हूँ, वरना कोई ध्यान नहीं रहता है ना। ठीक यही होता है तुम्हारी लत के साथ, तुम्हारी आदत और तुम्हारे बुरे जीवन के साथ। अरे जीवन बिगड़ा हुआ है तो क्यों हंसी ठर्रा के झूठे कर रहे हो दोस्तों के साथ? वो इसलिए ताकि तुम्हारा सामना तुम्हारी असलियत से ना हो। और अगर यही चाहते हो तो फिर रोना क्यों रोते हो? पर जानता हूँ तुम खुद को बदलने के लिए इस चैनल और इस वीडियो पर आए हो, तो सुनो ध्यान से। झूठा बाहरी दिखावा बंद करो। तुम दुखी हो अंदर से, तो बाहर से तुम्हें दुखी होना होगा, वरना तो तुम कभी अपनी इस लत को नहीं बदल पाओगे जो आज तुम्हारी है। मैं नहीं कह रहा तुम दुखी रहो, पर कम से कम सीरियस तो रहो। हंसी ठर्राके में पूरा दिन निकाल देते हो, और फिर जब अकेले हो जाते हो रात को या कभी भी, तब तुम्हारे असली चेहरे से सामना होता है, जिसका सामना तुम कभी नहीं करना चाहते। फिर तुम उठाते हो फोन और कोई वीडियो देखते हो जिससे दुख छिप जाए, तुम्हारा ध्यान सच्चाई से तुम्हारी हालत से कहीं और चला जाए। और आज तक तुम ऐसा ही करते आए हो, और आज इसी वजह से ना तुम बदले हो ना तुम्हारी हालत बदली है। मत भूल जाया करो अपनी असली हालत को, और मत भागो अपनी गुलामी से दूर। खुद से ये वादा करो कि जब तक खुद को ठीक नहीं कर लूंगा, झूठी स्माइल नहीं करनी। और जब आप ऐसा करते हो, तब आपको याद रहता है पल प्रतिपल कि तुम हो क्या और क्या बदलना है तुम्हें, तब होश रहता है तुम्हें। लेकिन जब तुम कॉमेडी वीडियोस और यूट्यूब पर और अलग अलग तरह के मनोरंजन, इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी अलग अलग तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगे रहते हो, तब तुम छुपते हो अपने सच से, अपने उस हालत से जो तुम कभी नहीं चाहते। देखा है ना तुमने, जब तुम सोशल मीडिया चलाने के बाद, आलतू फालतू वीडियो देखने के बाद, दोस्तों से हंसी ठर्राके करने के बाद, जो एकदम से सुनापन उदासी आती है, बड़ा अजीब लगने लगता है ना जब अकेले हो जाते हो तुम। वो अकेलापन डरावना नहीं है, तुमने जो अपनी हालत कर रखी है वो भयानक है, जो तुम हमेशा झूठी खुशी के नीचे छुपाने की कोशिश करते रहते हो। पर भाई बड़े अफसोस की बात है, आज हर इंसान चाहे लड़का हो या लड़की अपनी सच्चाई से भागते रहते हैं, बूढ़ा हो या जवान। तभी तो लोग अकेलेपन को बुरा मानते हैं, क्योंकि अकेला होते ही दर्द की बाढ़ आने लगती है। अकेले तो कबीर जैसे, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग, राम जैसे महान पुरुष रहे हैं, क्योंकि वो सबके साथ होते हुए भी अकेले थे और अकेले होते हुए भी अकेले। बात बहुत गहरी है, ये आपके अभी समझ ना आए, पर आप इस पर ध्यान ना दो, आप पॉइंट को समझो कि अब पहले अपनी परेशानी को ठीक करो, तब झूठी स्माइल या हंसी ठर्राके करना। रोना आए अपनी हालत को देखकर तो रो लो, जी भर के रो लो, पर उन आंसुओं को भूलो मत। मैं ये नहीं कह रहा कि हर समय दुख में रहो, नहीं, बस हर समय याद रहे कि क्या बदलना है आपको। जब आप अपनी हर हालत को बदल लोगे, उसके बाद जो स्माइल होगी वो और कुछ ही होगी, एक तेज के साथ स्माइल, सच्ची स्माइल, सहज स्माइल। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके दिल और दिमाग तक पहुंची होगी। जो जो इस वीडियो की बात आपको समझ आए और जीवन बदलने वाली लाइन लगे, तो उन्हें पेन और पेपर लेके लिख लिया करो। लिखोगे नहीं तो मोटिवेशन समझकर तुम्हारा दिमाग फिर सब कुछ भूल जाएगा, और फिर किसी और वीडियो पर चलना पड़ेगा। ओके मेरे भाई, पसंद आए आपको अपने पवन भाई की वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, और लिखो कमेंट में अपना प्यार। मैं मिलता हूँ किसी और खास और जरूरी वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।